साथियों, आज भाजपा देश में एक नए पॉलिटिकल कल्चर का भी नेतृत्व कर रही है। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है, ये उन्हीं के कल्चर में से पैदा हुई है। उन पार्टियों की पहचान है, पार्टी का नाम लेते ही एक ही बात दिखती है, सारी पार्टियों का तरफ देख लीजिए, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने का है। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर छोटा छोटा सोचना, छोटे सपने देखना और उससे भी कम हासिल करके खुशियां मनाना बस, और खुशी एक दूसरे की पीठ थपथपाना। भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर है बड़े सपने देखने और उससे भी ज्यादा हासिल करने के लिए जी जान से खप जाना, शरीर का कण कण, समय का पल पल खपाने का हौसला रखते हैं। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर महिलाओं की समस्याओं, उनकी रोजमर्रा की चुनौतियों की परवाह ही नहीं करता है, जबकि भाजपा का पॉलिटिकल महिलाओं के जीवन को आसान बनाने, उनके सपनों को साकार करने को, निर्णय प्रक्रिया में उनको भागीदारी देने को प्राथमिकता देता है। इसलिए आज के युवा हो या फिर देश की माताएं, बहनें, बेटियां, भाजपा के साथ हम पल पल अनुभव कर रहे हैं, हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद बढ़ते चले जा रहे हैं, जुड़ाव महसूस करती हैं, अपनापन महसूस करती है। इसलिए आज ये सभी भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। साथियों, आज स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सबके लिए अपने सपनों को, अपने संकल्पों को, मां भारती के सेवा के लिए समर्पित अपने हर कार्यकर्ता के जीवन को देखते हुए बहुत सी बातों को बार बार समझने की आवश्यकता होती है। 2014 में जो हुआ वो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, 2014 में भारत के लोगों ने भारत के पुनर्जागरण की नई यात्रा का शंखनाद कर दिया है। 800 साल से ज्यादा की गुलामी से बाहर निकलकर एक राष्ट्र अब अपना खोया हुआ गौरव पाने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ है, और इस प्रक्रिया में दशकों से चली आ रही बुराइयां, चुनौतियां धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। अब देश पंच प्राणों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है।